अगली खबर राजधानी देहरादून की है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी 11,729 बूथ पर भाजपा ने पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है। बता दें कि इस बार पन्ना प्रमुख की मदद के लिए 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली भी गठित की गई है, जो कि पन्ना प्रमुख को आवंटित मतदाता सूची पृष्ठ पर अंकित मतदाताओं की भी चिंता करेंगी। इसके तहत ही बीजेपी बूथ पर जीते चुनाव के मंत्र पर चलते हुए चुनाव के कार्यक्रम और योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। केवल मनीष खंडूड़ी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह करके उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह करके वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूड़ी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खंडूड़ी जी हों या अन्य बहुत सारे लोग हों, किस कांग्रेस में सभी को अपना भविष्य अंधकार में लगता है, और कांग्रेस अपना जनाधार पूरी तरह से उत्तराखंड में खो चुकी है और जनता ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है।